The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Diabetes type 1. क्या होता है डायबिटीज और क्या होता है डायबिटीज टाइप 1? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज एक क्रोनिक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, जी हाँ, जिसमें के आपके अंदर शुगर के लेवल्स बहुत बड़े होते हैं. यही सेम चीज डायबिटीज टाइप 2, द सेम थिंग हैपेंस इन डायबिटीज टाइप 2 एज वेल, बट द कॉजेज आर डिफरेंट. इन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 कैन हैपन एट एनी एज एंड इट इज मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा ये बचपन में, चिल्ड्रंस में, एडोलेसेंस में पाई जाती है, बचपन में, यंग एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में पाई जाती है और दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. देर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन. इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस बाय योर पैनक्रियाज विच इज नीडेड टू एक्चुअली मूव द ब्लड शुगर इन टू द सेल्स फ्रॉम द ब्लड, राइट. जो आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं इंसुलिन बनाते हैं, जो कि आपके ब्लड को, आपके ब्लड में जो शुगर आता है खाने पीने से, उसको अंदर अंदर सेल्स के अंदर लेके जाता है, राइट. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पैनक्रियाज आपके पेट के बीच के हिस्से में है, आपके पेट के एब्डोमेन के जस्ट पीछे. और ये इंसुलिन जो होता है, ये जितना आप जब शुगर, जितना कार्ब्स खाएंगे उतना इंसुलिन बढ़ता है. और ये शुगर जब सेल के अंदर जाता है, ये शुगर बाद में या तो एनर्जी के लिए यूज़ होता है या स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन बन के. जब ग्लाइकोजन भर जाते हैं तो फिर ये भाई साहब फैट बन जाता है. तो ग्लूकोज बिकम्स ग्लाइकोजन फर्स्ट और इज़ यूज्ड इन एनर्जी एंड देन इट इज़ स्टोर्ड एज फैट, राइट. टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, इसमें पीपल, इनके जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के, द सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, दे आर डैमेज्ड एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन. मतलब आपके अंदर इंसुलिन या तो कम बन रहा है या तो नहीं बन रहा, या तो इंसुलिन नहीं बन रहा या तो कम बन रहा है, तब आपको होती है टाइप 1 डायबिटीज़. और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को इंसुलिन ही लेना पड़ता है. सो इन टाइप 1 डायबिटीज यू हैव टू टेक इंसुलिन बिकॉज यू डोंट हैव इनफ इंसुलिन मेड इनसाइड योर पैनक्रियाज बाय द बीटा सेल्स. सो विदाउट इनफ इंसुलिन द ग्लूकोज बिल्ड्स अप इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो खून में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा इंसुलिन की कमी के चलते और सेल्स में नहीं जाएगा, सेल्स भूखे रहेंगे, खून में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और आपको हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ जाएगा, राइट. जब बॉडी अनेबल हो जाती है ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं, आपको डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं. एग्जैक्टली क्या हुआ बीटा सेल्स के साथ जिससे कि वो काम करना बंद कर दिया या वो क्यों बंद करना कर दिया, इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है. ये मोस्ट लाइकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ऑटो इम्यून का मतलब आप ही की खुद की इम्यूनिटी, योर ओन इम्यूनिटी इज डैमेजिंग योर बीटा सेल्स एंड देयर फोर इट इज़ नॉट बींग एबल टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, राइट. दिस हैपन्स बिकॉज द योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर ओन बीटा सेल्स, योर ओन पैनक्रियाज इंस्टेड ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म विद बैक्टीरिया वायरस विच इज इन्फेक्टिंग योर बॉडी. तो ऐसा होता है. सो ऐसे जिस जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ की टेंडेंसी है, जिनको, उनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर आपके पेरेंट्स को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपके फैमिली में किसी को है, देन यू हैव अ हाई चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़. नाउ व्हाट इज़ अ ब्लड, हाई ब्लड शुगर. सी, होता क्या है, अगर हाई ब्लड शुगर होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दैट इज़ द क्वेश्चन. अगर आपका हाई ब्लड शुगर होगा तो शुगर ब्लड में होने से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी बिकॉज द ब्लड ट्राइज टू डाइल्यूट द शुगर, राइट. मीठा मीठा ब्लड नहीं चाहिए. सो आर बॉडी ट्राइज टू डाइल्यूट, सो यू विल फील अ लॉट ऑफ थर्स्ट, वन बिकॉज ऑफ दैट डाइल्यूशन, सेकेंड बिकॉज यू स्टार्ट एक्सक्रीटिंग शुगर इन योर यूरिन. यूरिन में शुगर आती है 180 mg पर dl शुगर जब खून में हो जाती है उसके ऊपर, तो यूरिन में शुगर आनी शुरू होगी. यू विल फील थर्स्टी, पेशाब आपका पीला या चिपचिपा या बहुत ज़्यादा आएगा. पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया इज अ लॉट ऑफ थर्स्ट, पॉलीयूरिया इज अ लॉट ऑफ यूरिन. दीज आर द साइंस ऑफ हाई शुगर. दिस विल हैपन इन बोथ डायबिटीज टाइप 1 एंड डायबिटीज टाइप 2, नो मैटर व्हाई योर ब्लड शुगर इज हाई. इफ योर ब्लड शुगर इज हाई, अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया होगा. एंड द थर्ड थिंग विच हैपन इज पॉलीफेजिया. पॉलीफेजिया मीन्स
हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, अ लॉट ऑफ हंगर. व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज इज ओनली ट्रैप्ड इन योर ब्लड, इट इज नॉट एबल टू गेट इन साइड योर सेल्स. आपके सेल्स में शुगर नहीं जा रहे, सेल्स आर स्टार्विंग. यू आर ईटिंग सो मच, ज्यादा खा रहे हो, खाए जा रहे हो, बहुत खा रहे हो, लेकिन शुगर आपकी खून में ही बैठी है, अंदर जा ही नहीं रही सेल्स में, बिकॉज इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन कम है, जितनी चाहिए उतनी नहीं जा रही. सो योर सेल्स, आपके सेल्स भूखे हैं, आपके पूरी बॉडी के कई सेल्स भूखे हैं, कुछ को मिला है, कुछ मिल गए कुछ अमीर लोगों को, कुछ गरीबों को, भूखे हैं, इंडिया वाली हाल हो गया, और इस भूखमरी में फिर आपको और भूख लग रही है, आप और खाते हो और खाते हो और खाते हो और आप मोटे हो जाते हो. सो यू हैव पॉलीफेजिया, यू हैव पॉलीडिप्सिया, यू हैव पॉलीयूरिया. नाउ मोटे हो जाते का मतलब यह नहीं है शुगर जाएगी तो मोटे होगी, ऑलरेडी मोटे लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन टाइप वन में मोटे नहीं होते बिकॉज ऑलरेडी शुगर अंदर नहीं जा रही, राइट? तो ज्यादा खाते हैं, लेकिन और यही खाना, द मोर यू ईट द मोर ब्लड शुगर इंक्रीजेस, बट देर इज नो इंसुलिन. सो विदाउट इंसुलिन देर इज नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, कोई इलाज नहीं हो पाएगा, कोई आराम नहीं आ पाएगा बिना इंसुलिन के. इसीलिए टाइप वन डायबिटीज को इंसुलिन लेना ही पड़ता है नो मैटर वॉट. और इसीलिए उनके सेल्स भूखे रहते हैं तो उनको वीकनेस होती है, उनको टायर्डनेस होती है, उनको हमेशा भूख लगती रहती है, उनके आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकता है, हाई बिल्कुल शुगर कम हो जाती है सेल्स में, और तो ब्लड में शुगर ज़्यादा है, लेकिन कीटोसिस हो सकता है बिकॉज आपकी बॉडी यूज़ करने लगती है कीटोन बॉडीज, राइट? एडिपोज टिश्यू, फैट्स, मसल्स को यूज़ करने लगती है, तो ये सब हो सकता है. शुगर ज़्यादा होते होते आपको फिर शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमने बात कर रखी है पहले के वीडियोज़ में, आपको शुगर में आपको वेस्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी, वेस्कुलाइटिस, न्यूरो पॉली डायबिटिक, नेफ्रोपैथी, तो इस सब में पैरों में सुनपना आना, किडनी में प्रॉब्लम होना, वेट कम हो जाना, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आना, ये सब है. साथ ही जैसे 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 आपकी बॉडी में कीटोन्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी वेस्टिंग होती रहती है बॉडी के अंदर, कीटोन्स ज़्यादा रहेंगे तो आपकी ब्रीदिंग, क्योंकि कीटोन ज़्यादा आएगी तो कीटोनिक ब्रेथ, आपकी कीटोन ब्रेथ आनी शुरू होगी, सांस में एक कीटोन जैसी मतलब एसिडिक सी स्मेल आएगी, अजीब सी, जैसे यूरिन में कई बार लोगों को आती है वैसी अजीब सी स्मेल आएगी, जब कीटोन्स यूरिन में आते हैं तो भी स्मेल आती है, और ब्रेथ में भी कभी कभी कीटोन वाली स्मेल आती है, एक अलग सी स्मेल है, राइट? और ड्राई हो जाएगी आपकी चमड़ी, स्किन, फेस फ्लश हो जाएगा, फ्रूटी फ्रूटी ब्रेथ होती है, जो बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्रूट वाली ब्रेथ है जो मुँह से आती है. नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आ सकती है, आपको पानी पी के वो पानी पचेगा नहीं, पानी तक नहीं पचेगा, लिक्विड तक नहीं पचेगा, पेट में दर्द होगा, ये सब हो सकता है. और अगर मान लीजिए आपने इंसुलिन ले रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन एक और हो सकता है कि ज़्यादा इंसुलिन ले ली, ज़्यादा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन आपको हमेशा शुगर चेक करके लेना पड़ता है, जो कई लोगों को नहीं समझता. सो कई बार शुगर इंसुलिन कम हो जाती है तो शुगर बढ़ जाती है, कई बार इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है शुगर ग्लो हो जाती है. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मैनेज योर इंसुलिन लेवल्स अकॉर्डिंग टू योर शुगर लेवल्स, एंड समटाइम्स इफ यू टेक अ हाई डोज यू माइट लैंड अप इन अ लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, एंड दैट हैपन्स तो आपको सरदर्द होगा, यू विल हैव हंगर, हेडेक, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, हार्ट बीट विल बी रैपिड, शेकीनेस, स्वेटिंग, वीकनेस, यू कैन हैव ऑल दोज, ये सारी सिम्टम्स आ सकते हैं. और डायबिटीज़ बहुत दिनों में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम करता है, वी हैव ऑलरेडी सीन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हार्ट पे, दिमाग में, स्ट्रोक और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. सो रिमेंबर, हमें ये डायग्नोस करने के लिए आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, आपके रैंडम या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके देख सकते हैं, जिसमें हम आपको 50 से 75 ग्राम शुगर खिलाते हैं और उसको देखते हैं घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपकी बॉडी उसको एक्चुअली डाइजेस्ट कर पा रही है या नहीं, खून से, खून में तो जाएगी, खून से वो सेल्स में जा पा रही है, शुगर कम हो रही है या नहीं. इंसुलिन लेवल्स कर सकते हैं, सी पेप्टाइड लेवल्स कर सकते हैं, HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल्स कर सकते हैं, 3 मंथली शुगर दैट इज HbA हाई ग्लाइकोक्सिलेटेड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीटोन्स लेवल्स चेक करते हैं समटाइम्स यूरिन के अंदर, यूरिन या ब्लड कीटोन्स भी चेक कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज अगर शुगर आपकी 240 से ज़्यादा होगी तो कीटोन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे चेक करने के. अगर आपको निमोनिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो गया, साथ में शुगर बहुत ज़्यादा है, तो कीटोन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ वहाँ पे उस चीज़ से लैक्टिक एसिड डेवलप होगा, दूसरी तरफ कीटोन्स, तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज़ वेरी बैड. नौजिया, वॉमिटिंग,
प्रेगनेंसी के दौरान कीटोन्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना हमेशा याद रखिए, अगर डायबिटीज़ है तो नर्व्स के लिए याद रखिए चेकअप हमेशा अपने पैरों को, फीट को, लेग्स को एग्जामिनेशन करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, चाहे ब्लड प्रेशर है नहीं है उसको रेगुलर चेक कराना है। HbA1c हैज़ टू बी टेस्टेड रेगुलरली एवरी 3-6 मंथ्स, 3 to 6 और मैक्सिमम 1 ईयर। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम रखना है। आपको किडनी का टेस्ट रेगुलर करना है, किडनी प्रॉब्लम आ सकती है। यू हैव टू चेक योर आईज ऑल्सो, आंखों में प्रॉब्लम आ सकता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू सी, राइट। ट्रीटमेंट एज आई ऑलरेडी सेड, डायबिटीज टाइप 1 कैन बी ट्रीटेड ओनली विथ इंसुलिन सप्लीमेंट। सो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा। आपको चेकअप रेगुलरली करना पड़ेगा ब्लड शुगर का, और ब्लड शुगर के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन पे रखेंगे। और डाइटिशियन, फार्मासिस्ट, इन सब से आपको हेल्प लेनी है समझने में कि डाइटिशियन आपको बताएगा किस प्रकार की डाइट खाएं तो कम से कम शुगर आपके शरीर में जाएगी, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट एक स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी दिन थोड़ी सी शुगर खाई, किसी दिन बहुत शुगर खाई, उससे क्या होगा, आपकी इंसुलिन बहुत फ्लक्चुएट होगी। उतना आप मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नो वन नोज। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लोअर करती है और वो अलाउ करती है कि ब्लड से सेल्स, ब्लड के अंदर ग्लूकोज, ब्लड से सेल्स में ग्लूकोज जाए, और ये जाएगा तो आपका, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को, हर एक पेशेंट को इंसुलिन रोज लेना पड़ता है ज़िंदगी भर। ये बहुत ज़रूरी है और ये यही इलाज है। देर इज़ नो सप्लीमेंट, देर इज़ नो परमानेंट इलाज। हाँ, अगर आप शुगर ही कम खाना शुरू करेंगे तो इंसुलिन की मात्रा कम रिक्वायर्ड होगी, तो दैट वन थिंग यू कैन डू। इसको डाइट का रोल है, लेकिन 100% क्योर नहीं है। एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपका पैनक्रियाज, अगर आपके बीटा सेल्स बंद नहीं हुए हैं, इंसुलिन कम बना रहे हैं, तो कम इंसुलिन में अगर आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कम इंसुलिन है आपकी, जो आप अगर 100 ग्राम शुगर रोज खाते हैं, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उतना मैनेज कर पाएगी, लेकिन 200 खाए, 250 खाए, 300 खाए, 400 खाए, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाना 100 करते हैं, तो वो इंसुलिन उतनी ही, आपकी इंटरनल इंसुलिन उसको मैनेज करने के लिए इनफ हो जाती है, आपकी इंसुलिन बंद हो जाती है। आपको लगता है मैं ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उसके साथ जीना सीख गए हैं, बीमारी वहीं के वहीं है, आपके अंदर इंसुलिन कम है तो कम है। आपको जरूर इसमें इफेक्ट एफर्ट लेना पड़ेगा। यू शुड ऑलवेज डिक्रीज योर शुगर लेवल स्लोली एंड रिमेंबर टू मॉनिटर योर शुगर लेवल्स, एंड देयर माइट बी अ टाइम वेर यू माइट नीड टू डिक्रीज योर इंसुलिन, एंड समटाइम्स इंसुलिन कैन स्टॉप ऑल्सो, बट यू हैव टू स्टिल मॉनिटर योर शुगर्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। इंसुलिन के अलग अलग टाइप है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। इंसुलिन कैन बी रैपिड एक्टिंग, स्लो एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग और वेरी स्लो एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, रात को लेने वाले लेंटस या मिक्सटार्ड या एक्ट्रापिड या ऐसी कोई भी इंसुलिन अगर आप लेते हैं, तो डॉक्टर से उसको समझो कि वो इंसुलिन का टाइम क्या है, या पढ़ लो ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मेडलाइन प्लस या US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑफ US की वेबसाइट पर जाके आप इंसुलिन के बारे में पढ़ें। कोई भी उल्टे सीधे वीडियोस के ऊपर, इवन वो अगर किसी फलाना ढमकाना ने बनाया, उसके ऊपर बिलीव ना करें। रिमेंबर 80% 85% ऑफ द नॉलेज ऑन इंटरनेट इज़ रॉन्ग और इज़ फेक्ड और ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज भी करें। आपको अपनी डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चेंज करना, डायबिटीज़ के इंसुलिन लेवल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको हो गई बीमारी, अगर आप बीमार हो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, या और अगर आपको, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी डाइट लेंगे, तो आपकी मैनेज, शुगर मैनेज ज़रूर बेहतर हो जाएगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। साथ ही रिमेंबर, स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी सारी बुरी आदतों से आपको बच के रहना है, और अपना एक सही वेट मेंटेन करना है। फुट केयर बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर चेकअप कराइए। इमोशनली आपने आपको थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। डोंट गो फॉर नेगेटिव थिंग। नेगेटिव चीज़ें दुनिया में वैसी ही बहुत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। बहुत सारे सपोर्ट के लिए आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इंसुलिन के लिए नॉलेजेबल डायबिटिशियंस मिल जाएंगे। उनसे अपनी बीमारी को समझिए और यूजलेस लोगों से दूर रहिए। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल आपके पास है तो ज़रूर लिखिए, हम ट्राई करेंगे जवाब देने का। थैंक यू।